आपको बता दें कि दिव्यांग जनों को वैक्सीन प्रमाण पत्र दिखाने से छूट मामले पर सुनवाई हुई है। केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में बड़ी बात कही है, तो बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि मर्जी के बिना कोविड टीकाकरण नहीं कराया जा सकता, ये केंद्र सरकार ने अहम निर्णय लिया है। एक गैर सरकारी संगठन ने दायर की थी याचिका, उस पर फिलहाल सुनवाई हुई है और यह अहम फैसला लिया गया है। इस वक्त का याचिका में घर घर जाकर दिव्यांगजनों के वैक्सीनेशन का अनुरोध किया था और मर्जी के बिना कोविड टीकाकरण नहीं कराया जा सकता, ये केंद्र सरकार ने बड़ा और अहम फैसला लिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें कि दिव्यांगजनों को वैक्सीन प्रमाण पत्र दिखाने से छूट मामले पर सुनवाई हुई है और केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में ये बड़ी बात कही है और कहा कि बिना मर्जी के वैक्सीनेशन नहीं किया जा सकता, मर्जी के बिना कोविड टीकाकरण नहीं किया जा सकता। साल के 365 दिन 24 घंटे और सातों दिन हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जीओटी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम ओटीटी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।